पाकिस्तान में ये तो देखा है मैंने, शादियां बड़े धूमधाम से की जाती हैं। शादियों पे पाकिस्तान में बहुत खर्चा होता है, और लाहौर में और पंजाबियों में यही बात होती है कि भाई वो बिंदास रहते, एकदम बिंदास बात करते, बिंदास बोलते हैं। तो भाई फाइनली इकरा का एंगेजमेंट व्लॉग आ गया है। सिस्ट्रोलॉजी की बहुत रिक्वेस्ट आती है हमारे पास कि इनके वीडियोस पर रिएक्शन करो, और जैसे ही इनके एंगेजमेंट का वीडियो आया भाई, बहुत डिमांड आने लगी हमारे पास इंस्टाग्राम पर और कॉमेंट बॉक्स में हमारे, तो हम भी लेके आ चुके हैं रिएक्शन। ये पार्ट वन है, मतलब और भी पार्ट इसके आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। अच्छा लग रहा, नहीं देखेगा वो साइड अभी डेकोर करवानी है। और ये जो रेंट का हाउस टूर पे भी रिएक्शन के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है भाई। बस मुझे अब होना है सिर्फ तैयार। देखना मेरे पापा मेरा 5 मन का लहंगा उठा के, 5 मन का मेरा दुपट्टा। वाओ बहुत प्यारा लग रहा है यार इनका ड्रेस। ये शूट अब बात है, 4-5 कैमरे लगे हुए शूट करने के लिए भाई। एक व्लॉगर है प्लस टिकटॉकर है, तो एक में टिकटॉक बन रहा होगा, एक में व्लॉग बन रहा होगा, एक में ऑफिशियल वीडियो बन रहा होगा। मामा पापा, पापा तो बड़े भैया लगते हैं बहुत यंग लगते हैं इनके पापा, बहुत यंग है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी क्राकोवा, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज का दिन मेरे लिए कितना हेक्टिक होने वाला है। एज यू नो कि मेरी एंगेजमेंट बिल्कुल सर पे है, और आज जो है वो समझे एक किस्म की चांद रात है हमारे घर। ये देखें सारा सेटअप सेटअप लाइटें शाइटें ये जो है अभी लग चुकी है, और ये अभी जली नहीं है, जलना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हमारा घर जो है वो ऊपर से भी देख ले, वो अभी तक जो है वो रेडी हो चुका है। एंड मैं सुबह से जो है वो अपनी मेड के साथ जरा थोड़ी उसकी हेल्प करवा रही थी, अपनी चीजें सेट करा रही थी, बहुत सारी चीजें थी। और आपको पता है कि जब आप लड़की वाले होते हो तो आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और अभी जो है वो कुछ ड्रेसेस जो हमारे साइजेस के बने थे वहां से जाके हमें अपने ड्रेसेस भी पकड़ने हैं। आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने ग्रूम के लिए क्या क्या चीजें शॉप की थी, क्या क्या चीजें मैं उनके लिए लेकर आई थी, और अभी उसके गिफ्ट भी पैक करने हैं। क्या क्या है वो दिखाना है या नहीं, व्लॉग देख लेगा। ये ब्लैक सलवार कमीज जो हर किसी को अच्छा, ये बटन आप लोगों को पता है जो कहते हैं चुनी चुनी, ये बटन मुझे वैसे ही पसंद है। और ये एक स्वेट शर्ट है, और ये एक ट्राउजर है, ये इसमें जो है वो स्लाइडर्स हैं, और ये एक शूज है। ये देखिए दिखाओ, ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे। मेरे साइज का है ये? नहीं निकलो तो, ये ब्लैक सूट है, टाइम थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी। और ये कुर्ता, ये मुझे बड़ा अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने पहना है? नहीं, उनके होने वाले हस्बैंड अभी हो रही है। पापा को ये बास्केट देते हैं कि ये चीजें पैक है, आप तो बहुत बढ़िया तैयार हैं, जल्दी जल्दी, पापा फुल बिजी हैं। ये जो है ना वो घर की लाइट सब ऑन हो चुकी हैं, और अब हम निकलने लगे हैं। आप क्यों आई हो? हाँ अच्छा लग रहा, नहीं देखेगा कहीं में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वो साइड अभी डेकोर करवानी है, वो वाली साइड उसने डेकोर नहीं, ये वाली करवानी, ये वाली ऊपर जाके उसके। हाँ वो भी खड़े हैं, चलो लेट्स गो गाइस। इसको देखो ना जरा, ये रेड लिपस्टिक लगा, तुम कौन सी बिल्ली में बजा रही हो? मेरे लिए अगर कुछ छोटी सी ऐसे मिला तो ठीक है, छोटा सा भी नहीं, मेरे लिए झुमके लेने। अभी हम लेट हो रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने ड्रेसेस पकड़ने के लिए, और उसके बाद वापस आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यार इंतजाम करो कोई ढोलकी शोलकी का, यार दुल्हन खुद ही कह रही है ढोलकी शोलकी, किसके पास है ढोलकी? मेरे घर पे तो हमारे पास सिर्फ परात है, सिर्फ ढोल नहीं मिल रहा हमें। मैंने मम्मी से कह के हर जगह पता करवाया, किसी के घर वो जो ढोलकी नहीं होती टक टक टक, मेरी अम्मा को बड़ी अच्छी बजानी आती है, ये भी शायद बजा लेती है। तुम बजा लेती हो? मैं लोग बड़े अच्छे बजाती हूँ। ये देखें जी, अब शॉपिंग हो गई है, ये लड़कियों ने अभी अभी एंड टाइम पे, ये लोग बस कर दो बस कर दो, ये फातिमा फाइनली कपड़े मिल गए। हम यहाँ पहुंच चुके हैं अपनी ज्वेलरी पिक करने के लिए, अब बस हम यहाँ से निकलना है फाइनली, अब चलते हैं घर पे क्योंकि जाके बड़े काम कर रहे हैं। ये भी सामान, ये देखे एक मिनट मेरे सर पे ना मार देना। सो गाइस हम लोग सब चीजें पिक करके घर आ चुके थे, और आपको पता है कि सुबह इवेंट है, और इतनी हसल हो गई थी कि इन सब की तैयारियों में मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है सच, क्योंकि मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, और बस मेरा था कि मेरे काम, मेरे बैग, मेरी चीजें, मेरी ड्रेस, मेरी ज्वेलरी, हर चीज पूरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी इकरा कवल, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू द ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ बिकॉज इट्स माय एंगेज। 8:10 मतलब मेरी अपॉइंटमेंट थी सैलून पे 8 बजे, बट मैं हो चुकी हूँ थोड़ी सी
ये भाई मेरे साथ मेरा बैग पर जिसमें मेरा क्लच मेरी ज्वेलरी मेरा सामान है और दूसरी चीज जिसकी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन लगी थी कि क्या गिफ्ट्स पैक हो गए हैं तो बिल्कुल जी गिफ्ट सारे एज इट इज हैं और ये जो रिंग का एक स्टैंड टाइप्स कुछ सब चीजें प्रिपेयर है बस मुझे अब होना है सिर्फ भाई अमीरो वाली सगाई भी अमीरो वाली सुबह मेरे पहनने के लिए लॉन्ग कोट मेरे लहंगे के सिर्फ शॉल लेकर आई मतलब मेरा लहंगा जो है ना वो बहुत ज्यादा वजनी है उठाया भी नहीं जा रहा अब मैं पापा का वेट कर रही हूँ गाड़ी बाहर खड़ी है मुझे अकेली को पहले सलोन छोड़ा है देखना मेरे पापा मेरा 5 मंथ का लहंगा उठा के आ रहे हैं चलें जी सलोन की आ चुकी है लोकेशन अब हम जाएंगे तैयार होने अब वो जो इतना वजनी लहंगा वहाँ बंद रखेंगे ओके okay. अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ मुझे लग रहा है नीचे रश लगा हुआ है मेरा टाइम था 8 बजे और मैं पूरे 9 बजे यहाँ पे पहुंची हूँ अब अभी जा रही है डिस्कस कर रही थी क्योंकि एक बच्ची उठा के लेकर आई है छोटे वाला तो शी सेड के एना वजनी एनू खा ली थे बादाम खाने चुकन ली बादाम खाने मैंने तो ये मैंने उठाना है चले जी क्राका वाले जी प्रोसेस नाउ मेरा होने लगा है मेकअप और मेरी स्किन टाइट है जी ड्राई साथ साथ मेरी तैयारी चल रही है और साथ मेरे लिए जो है ना वो टी पार्टी आई है गाइस पार्टी आप देख रहे हैं मैं कैसे ब्लैंकेट में बैठी हूँ बहुत वो लग रही कंकड़ लग रही है और मेरा अभी तो मेकअप स्टार्ट होने लगा अब मजा आया आप मुझे छुपा रही है ये देखो ये दोनों आते नहीं है यार ये मेरी बहनें आती गई हैं स्टूडियो में शोर शुरू हो गया मम्मी भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अच्छा शोर कर रही हैं बहुत ज्यादा कपड़े शपड़े प्रिपेयर कर रही हैं अपने हाँ तैयार हो गई ठीक है देख रहे हैं आप इनकी लुकिंग की आज मैं आपको पूरी दिखाती हूँ अभी ड्रेस पूरा नहीं दिखाऊंगी जब ये तैयार हो जाएंगी फिर वैसे दिखाती ड्रेस है तैयार होकर दोबारा आएगी तब तक पता नहीं मैं यहाँ होती हूँ या शूट के लिए निकल जाती हूँ भाई मेरा तो मेकअप हल्की आंच पे हुआ अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी यहाँ पे मेरी अम्मा जो है वो बहुत प्यारा तैयार हो रही है और यहाँ पे ये मोटी साथ दूसरी है साथ मेकअप करवा रही है साथ और जो फातिमा है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट में है मतलब उस तरफ है तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती जरा ये देखो जरा ये हो चुकी है तैयार ये ब्राइड ये मेरा लहंगा देखे और ये देखे ये ब्राइड की बहन लग रही है या ब्राइड लग रही है क्या नहीं है ब्राइड का तो कोई आंखें बंद करो मेकअप दिखाओ वाओ सो नाइस और मेरा अभी पार्टी आपका लव फातिमा माय गॉड मेरा दुपट्टा सेटिंग हो रही है फिलहाल यहाँ पे तो गाइस मेरा दिल जो है वो इस टाइम बहुत धक धक कर रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि डेकोर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए उसी लिहाज से जिस लिहाज से लोग आना चाह रहे थे शादी पे ये ब्राइड बैठी हुई है ये ब्राइड की नौकरानी बैठी है ये मम्मा है ये ब्राइड की मॉम कर रही है सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है यार देखो शादी पे ना बेसिकली हर किसी को डीप डाउन अपनी अपनी पड़ी थी स्पेशली लड़कियों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बहनों हाँ जी हाँ जी और तुम खुद देखो दुल्हन से ज्यादा प्यार होकर तुम खुद बैठी हो ऐसा होता है हाँ जी अभी तुम्हारा तुम्हें कॉल आ रही है तुम्हारे हस्बैंड की फियांसे की ये लो जनाब मुझे कब कॉल आएगी यार मुझे कब कॉल आएगी जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे ना जाने कब आएंगे और डॉली में ले जाएंगे तैयार होके मेरी बहनें सबका अपना शूट चल रहा है कोई फायदा नहीं है एस्ट्रोलॉजी में 5 महीने दो बहनें तैयार होके नहीं आई और मैं अकेली ये सब मेरी टीम है आज से एस्ट्रोलॉजी टीम में मेरे फोटोग्राफर लाहौर वाले बड़े एक्सट्रावर्ट होते हैं भाई पहले आपको मैं बारी बारी सारा अपना इवेंट खुद ही कुछ बता देते हैं एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी पूरी फीलिंग सही है यार इतना सच नहीं बोलने था हाँ भाई आगे बढ़ा क्या शानदार रिजॉर्ट है स्लो मोशन में किया होगा इस वीडियो को ये आने वाले इंस्टाग्राम पे वो जल्दी क्या बात है भाई ये व्लॉग अलग शूट हो रहा है फिर इस व्लॉग से वीडियो अलग बनेंगे पाकिस्तान में ये तो देखा है मैंने शादियां बड़े धूमधाम से की जाती हैं शादियों पे पाकिस्तान में बहुत खर्चा होता है ओ
ओके गाइस, बहुत ही वो सीन है कि मैं अभी सबसे और मैं मुझसे अभी तक अपना ड्रेस भी नहीं संभाला जा रहा। ये मेरे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे एक पर्सनल वीडियोग्राफर मेरे साथ साथ है जो मेरी वीडियोग्राफी कर रहा है। मैं जब हाँ भी करती हूँ ये भी शूट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है कसम से। तो अब इसीलिए मैं आप लोग को ना साथ साथ हर चीज़ दिखाती है। तो यहाँ पे आपके शूट हो रहा है, आप भी यहाँ पे शूट हो रहा है, मेरा अभी तक शूट ही नहीं हुआ, मतलब मेरी पिक्चर्स खींची नहीं है किसी ने। अब मतलब मैं ये बोल रही हूँ ना, इसकी भी वीडियो बन रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं दिखाती हूँ, ये है बी माई वाइफ, इधर प्रपोज किया जाएगा आप भी को, और ये पूरा व्यू है। बड़ी तेज शटर स्पीड की हुई है। गाइस यहाँ पे इतना रश हो गया, हमने सोचा था कि हम व्लॉग बनाएंगे बट हमारा व्लॉग नहीं बना। मेरे पांव इस टाइम टूटे, ये देखो सब पत्ते टूट गए। गाइस मेरा फिर बाल ठीक कर दो यार, ओ भाई मेरे बाल ठीक कर दो। ओही बिच्ची जिथे चाचे तेरे ने ओही आजा। आपका दिल नहीं कर रहा बनवाने को? मैं कह रहा हूं एक सबने एक ही कलर के ड्रेस। हाँ यार ऐसा थीम रखा है, इस तरह के दिन के इवेंट बहुत सही लगते हैं, दिन के ही सही लगते हैं, बहुत शानदार लाइटिंग वगैरह बढ़िया लगती है, लाइटिंग वगैरह सही से आती है, और ऐसा वाइट थीम होती है ना तो दिन में और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। क्या बात है, टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट व्लॉग देखना है मजा, जल्दी अपलोड करो, अभी आएगा ना मजा। मिलू इस तरह की चीजें देखने में बड़ा मजा आता है, शादियां देखने में, एंगेजमेंट देखने में, और इस तरह जब ये करते हैं ना अरेंजमेंट प्रपोज वाला जो किया उन्होंने, एंट्री वाला, वो आने वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। बड़े देखने में मजा आता है इस टाइप के अरेंजमेंट्स देखने में, मुझे खास करके बिहाइंड द कैमरे देखने में ज्यादा मजा आता है। तो ये व्लॉग है ना, बिहाइंड द कैमरे वाले सीन दिख जाते हैं व्लॉग के अंदर, और कितना मतलब एक्सप्रेसिव है सबके सब, मतलब कैमरामैन के सामने इतना, मतलब हेजिटेशन बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो बहुत हेजिटेट हो जाऊं ऐसे में तो। और लाहौर में और पंजाबियों में यही बात होती है कि भाई वो बिंदास रहते, एकदम बिंदास बात करते, बिंदास बोलते हैं, की तो जिंदगी है और मतलब बहुत अच्छे हार्ट के होते हैं, मतलब जो अंदर नहीं रखते सब बक देते हैं, बोल देना भैया जो भी आया दिल में। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, अब देखते हैं आने वाले इनके जो और कितने पार्ट्स आने वाले, मुझे लगता है दो पार्ट्स और आ सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप बताओ गाइस आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।